आज हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, जिसकी डेफिनेशन है इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कैपिटल एफ ई, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ई, देन एफ एक्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी। जब हम किसी फंक्शन एक्स, जो एक्स का फंक्शन होगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, पी में आएगा। अब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, उसके लिए हम कह रहे हैं कि देन एफ एक्स इज कॉल्ड, एफ एक्स जो है वह एफ बी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। और इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ पी एक्स, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सर्टेन इन एलिमेंट्री फंक्शंस। कुछ जो एलिमेंट्री फंक्शन है उनके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम देखते हैं कि पहला फंक्शन लिया हमने एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन होता है। देन एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन पी रेज टू पावर एन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। वापस एफ पी के रूप में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया एफ एक्स का, उसका इनवर्स जो आएगा, जो पी का फंक्शन है उसका इनवर्स जो आएगा वो एफ एक्स वापस आ जाएगा। यही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। यदि ये फैक्टोरियल एन अपन यहाँ रखेंगे तो एक्स की पावर एन आ जाएगा, और उससे हमने उधर डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, बाहर आ गया एल इनवर्स के, उसका भाग दे दिया हमने, तो इस तरह से लिख दिया इसको, वेयर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड है एक्स की पावर अल्फा, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू पावर अल्फा पी, दिस इज इक्वल टू, हमने पढ़ लिया है गामा अल्फा प्लस वन अपॉन पी रेज टू पावर अल्फा प्लस वन। दिस इम्प्लाइज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन रे अपॉन पी रेज टू पावर अल्फा प्लस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा प्लस वन। चाहें तो अपन गामा अल्फा प्लस वन यहाँ रख सकते हैं, तो फिर यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ ले लिया अपन ने तो यहाँ नहीं आएगा। वेयर अल्फा का जो रियल पार्ट है, अल्फा में भी रियल और से कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा का जो रियल पार्ट हो माइनस एक से बड़ा होना चाहिए। थर्ड, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स, दिस इज इक्वल टू, वी नो दैट वन अपॉन पी माइनस ए, ई की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन अपॉन पी माइनस ए, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इनवर्स जो होगा एल इनवर्स वन अपॉन पी माइनस ए, दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स। साइन ए एक्स का देखते हैं, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू साइन ए एक्स अपॉन ए। और से द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए एक्स। इसका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और इसका इनवर्स साइन ए एक्स है। कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर पी स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एल इनवर्स लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा कोस ए एक्स, पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एक्स, द एल इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू कोस ए एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो एल इनवर्स ऑफ ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज साइन हाइपरबोलिक एक्स। यदि ए यहाँ रखेंगे यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ रख दिया तो यहाँ नहीं आएगा। इसी तरह से कोस हाइपरबोलिक एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो होगा वो वापस साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, छोटी सी थ्योरम करते हैं, एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। लेट फॉर आई इक्वल टू वन टू थ्री अप टू स्मॉल एन, देन एफ आई पी, जैसे यहां पर होगा एफ वन पी एफ टू पी एफ थ्री पी एफ एन पी, आर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ एन एक्स एंड सी आई आर एनी कॉन्स्टेंट्स, देन द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ सी वन एफ वन पी प्लस माइनस सी टू एफ टू पी प्लस माइनस लास्ट तक प्लस माइनस चलने देते हैं सी एन इंटू एफ ऑफ एन पी, दिस इज इक्वल टू, अपन को प्रूव करना कि सी वन कॉन्स्टेंट बार आ जाएगा, एल इनवर्स आ जाएगा एफ वन का प्लस सी टू प्लस माइनस जो भी साइन है बार आ जाएगा, सी टू कॉन्स्टेंट बार आ गया, एल इनवर्स ऑफ एफ टू पी एंड प्लस माइनस, ये लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है, और इनकी जगह हमने स्मॉल के अंदर लिख दिया वापस। तो हम देखते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव
हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, उसकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो वो हम देखते हैं कि एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी वन एफ वन एक्स प्लस माइनस सी टू एफ टू एक्स एंड प्लस माइनस सी एन एफ एन एक्स बराबर होता है सी वन बाहर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन एक्स प्लस सी टू बाहर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टू एक्स एंड प्लस सी एन बाहर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एक्स को मान लगा कि हम पी लिखते हैं, नहीं लिखा कोई खास बात नहीं। एंड दिस इज इक्वल टू सी वन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें दे रखा है एफ वन पी प्लस माइनस सी टू एफ टू पी प्लस माइनस सी एन एफ एन पी। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है इसका एल इनवर्स हम करेंगे, तो पूरे के लगा दिए हमने, तो देखिए इसके एल इनवर्स लगाते हैं। एल इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू सी वन, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका ये है, तो इस पर एल इनवर्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी वन एफ वन पी प्लस माइनस सी टू एफ टू पी दिस इज इक्वल टू सी वन एफ वन एक्स प्लस माइनस सी टू एफ टू एक्स प्लस माइनस सी एन एफ, क्योंकि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स जो होगा वो ये आ जाएगा। वापस ये लिख दिया, इनकी जगह हम वापस पुट कर सकते हैं, एफ वन एक्स है लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन पी का है, तो इनकी जगह वापस हम इस तरह से पुट कर सकते हैं, तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी लिनियरिटी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन पी फोर माइनस थ्राइस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एंड प्लस फाइव अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर। एल इनवर्स निकालना है, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है, देयरफॉर एल इनवर्स ऑफ दिस पूरी जो पी की फंक्शन है इसको लिख दिया और एक कॉमा लगा के एक्स लिख दिया और ब्रैकेट बंद। लिनियरिटी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ ली है, तो एल इनवर्स ऑफ दिस माइनस थ्री कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एल इनवर्स ऑफ पी पॉन पी स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स एंड प्लस फाइव बाहर आ गया, एल इनवर्स ऑफ वन पॉन पी स्क्वायर प्लस फोर कोमा एक्स। इसके लिए हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा भी है, वन पॉन पी फोर है, एक्स क्यूब का हम देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आता है, तो ये एक्स क्यूब अपॉन तो ये होता है गामा फोर अपॉन पी फोर, गामा फोर की जगह फैक्टोरियल थ्री लिख करके हमने डिवाइड कर दिया, तो वन अपॉन पी फोर का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, थ्री बाहर पड़ा कॉन्स्टेंट, ये होता है कोस फोर एक्स का, कोस फोर एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं पी पॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही जगह फोर है तो प्लस सिक्सटीन, बाहर का कॉन्स्टेंट पड़ा है बाहर का साइन पड़ा है तो इसका इनवर्स किया तो कोस फोर एक्स वापस आ गया, फाइव पड़ा है और ये होता है वन अपॉन ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही जगह दो है तो यहाँ ए है नहीं है तो इसे डिवाइड हो जाएगा, यदि यहाँ टू रखेंगे तो यहाँ डिवाइड नहीं होगा, इसलिए यहाँ ए नहीं होने के कारण से हमने या यहाँ फाइव बाई टू कर दो टू से या मल्टीप्लाई कर दो तो साइन टू एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसलिए एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू साइन टू एक्स बाई टू आंसर आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एल इनवर्स ऑफ थ्री पॉन पी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्राइस पी प्लस टू पॉन पी क्यूब माइनस थ्राइस पी माइनस ट्वेंटी सेवन पॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन एंड प्लस सिक्स माइनस थर्टी रूट पी पॉन पी फोर। इसका एल इनवर्स निकालना हमें, तो वही लिनियरिटी प्रॉपर्टी से हम पहले तो कॉन्स्टेंट को बाहर रखते हैं, इनको सबको अलग अलग इनवर्स लिख देते हैं, तो एल इनवर्स ऑफ थ्री पॉन पी स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, थ्री बाहर चला गया तो इसको हमने रूट थ्री के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया एक्स, इसका थ्री बार कर दिया इसमें भाग देंगे तो वन अपॉन पी स्क्वायर आएगा, इसके अंदर भाग देंगे तो टू बार कर दिया हमने वन अपॉन पी क्यूब आएगा, इसके लिए देखें तो माइनस थ्री अपॉन आएगा तो माइनस थ्री बार है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन आ गया, इसमें ट्वेंटी सेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस नाइन कर दिया, इसमें पहले सिक्स के नीचे रखेंगे सिक्स बार है वन अपॉन पी फोर आ गया और अगले में माइनस का थर्टी बार है एल इनवर्स ऑफ रूट पी अपॉन पी फोर, रूट पी नीचे जाएगा अपॉन पी रेज टू पावर सेवन बाई टू बचेगी। इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना है तो हम जानते हैं ऊपर ए नहीं है तो नीचे ए से तो डिवाइड हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे होता है हर के रूप में, तो साइन हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स प्लस होता है तो साइन और माइनस है तो साइन हाइपरबोलिक, देखो साइन हाइपरबोलिक रूट थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री और थ्री बार कॉन्स्टेंट के रूप में पड़ा है। ये देखिए वन अपॉन पी स्क्वायर है तो इसका ऊपर तो हो जाएगा एक्स नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल वन, बाहर थ्री दे रखा है, आगे देखिए टू पड़ा है अपना इनटू में जब मल्टीप्लीकेशन में टू दे रखा है वो पड़ा है और वन अपॉन पी क्यूब दे रखा है इसलिए इसका हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू। यहाँ देखिए पी है ऊपर इसलिए कोस में आएगा तो कोस थ्राइस एक्स माइनस थ्री है
एज इट इज, और इसका हो गया कोस थ्राइस एक्स, 27 पढ़ाएं, और इसका जो आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9 27 इंटू साइन 3x/3, और आगे देखिए प्लस 6 है, 1 अपॉन P4 का हो जाएगा P³/3 -30 एज इट इज है, और 1 अपॉन दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/2 अपॉन γ 7/2। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स हमने लिख दिए हैं। अब गामा 7/2 को थोड़ा सोल्व करेंगे तो 5/2, 3/2, 1/2 इंटू रूट पाई आता है, इससे काफ़ी कुछ कैंसिल होकर के 16 बचेगा, बाकी सारी सेम टर्म पड़ी, यहाँ रूट 3 है, ऊपर 3 है तो कैंसिल होकर के रूट 3 बच गया, साइन हाइपरबोलिक थ्राई रूट 3 इंटू एक्स थ्राइस एक्स, ये 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -3 कोस थ्राइस एक्स, 9 से ये 27 3 से कट गया तो 9 आ गया साइन थ्राइस एक्स, एंड फिर आगे देखिए ये कट गया तो प्लस एक्स क्यूब है, और 13 टू ये समथिंग जो भी आ गया इसको सोल्व करके हमने लिख दिया। आगे चलिए एक एग्जांपल ये देखते हैं, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/P इंटू साइन 1/P, या सो दैट द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/P इंटू साइन 1/P दिस इज इक्वल टू एक्स -x³/3² +x^5/5² -दिस। एल इनवर्स निकालना है, मेरे को लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालना है 1/P इंटू साइन 1/P का, साइन 1/P को एक्सपेंड करके हम इसका प्रसार करते हैं तो देखिए क्या आता है, 1/P -1/3 इंटू एक्स क्यूब होता है तो 1/P³ +1/5 इंटू x^5 होता है तो 1/P^5 एंड माइनस दिस, प्लस माइनस के साइन चलते हैं, पहले x होता है फिर x³ होता है फिर x^5 आता है फिर x^7 आता है और नीचे 3 जितना ऊपर पावर होती है x³। तो साइन x का प्रसार यदि हम जानते हैं तो उसको लिख दिया साइन 1/P का, अब इसको 1/P से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल इनवर्स 1/P² हो जाएगा -1/3 इंटू 1/P^4 हो जाएगी, और इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो P^6 P^8 इस तरह से। लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/P² -1/3 लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/P^4 एंड +1/5 इंटू लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/P^6 एंड माइनस, इसको हम जानते हैं 2 पावर P^4 है तो x^1/8, इसका हो जाए P^4 है x³/3, P^6 है और नीचे x^5/5, P^ आगे कितनी आएगी 8 आएगी, देन x^7/7। तो देखिए पहले से 3 था फिर आ गया, पहले से 5 इंटू में फिर आ गया, ऐसे आ गया तो नीचे होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख दिया। देयरफॉर द लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/P इंटू साइन 1/P दैट इज x^(x³/3) होल स्क्वायर +x^5/5² -x^7/7² का होल स्क्वायर एंड +1। थैंक यू।